किसान भाइयों, इस समय रूस के यूक्रेन से सस्ता खाने का तेल उपलब्ध होने के कारण सोयाबीन के दामों में फिर आई भारत में गिरावट। व्यापारियों से अधिक लाभ कमाने के लिए दोस्तों रूस यूक्रेन सस्ता सूरजमुखी का तेल आयात शुरू कर दिया है, जिसके कारण यहां पे भारत में सोयाबीन का MSP की दामों पर किसानों को जो भाव प्राप्त नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र देश का जो दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक जो माना जाता है राज्य, यहां पर लाखों किसानों जो है अपना जो खेती बाड़ी करके अपनी जो घर गृहस्थी चलाते हैं, जिसके कारण सोयाबीन के भाव में जो है भाव नहीं बढ़ रहे हैं। खाद्य तेलों में जो वैश्विक कीमत है वैसे दोस्तों गिरावट के कारण भारत में इनका पूरा भरपूर आयात किया गया था, जिसका खमियाजा सोयाबीन की खेती करने वाले सभी किसानों को उठाना पड़ रहा है। अब पिछले दोस्तों वर्ष तुलना की हम बात करें तो इस वर्ष सोयाबीन का औसत भाव लगभग 1000 रुपये प्रति क्विंटल का कम है। दोस्तों आज सोयाबीन के प्लांटों की बात करें तो खरीदी क्या, आइए जानते हैं कि किसान इस समय इस वर्ष सोयाबीन की खेती करेंगे। इसके अलावा विकल्प नहीं होने के कारण किसान वर्ग में पूरा ध्यान नहीं दिया गया फसल पर लगा हुआ है। मानसून की बारिश पूर्व किसान वर्ग के खेतों के जो जुताई करने में लगे हैं। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि आगामी दिनों में सोयाबीन के जो भाव उत्पादकों किसानों को जो नुकसान हो रहे हैं उसका प्रयास जो कि सरकार उसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 3 साल से जो किसानों को सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं। इसके लागत से दोस्तों ब्राजील अर्जेंटीना उपज रिकॉर्ड आई है, अमेरिका के 80% बिजाई भी हुई है, गिरावट की भी संभावना बढ़ गई है। व्यापारियों की माने तो दोस्तों सोयाबीन का जो भाव है कम से कम भाव है जो 5000 से ऊपर की भाव होनी चाहिए। ऐसे सटी जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।